पार्टी बहुत मजेदार थी एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि एवरीबॉडी वाज वॉकिंग एंड टॉकिंग. कोई स्टेज नहीं था जहाँ पे दूल्हा दुल्हन हो और हम लाइन लगा के मिले. हालांकि हमारे रिसेप्शन में ऐसा हुआ था क्योंकि हमें फोटोग्राफ चाहिए थी, बट दिस इज मोर फन क्योंकि दूल्हा दुल्हन घूम रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, बार बार मिल रहे हैं. सो इट वाज फन. आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया. क्या टिप्स क्या दिया आपने विवेक को खासकर? आशीर्वाद देंगे और टिप्स में आशीर्वाद बहुत बड़ी बात है और क्योंकि ये मेरी रियल बेटी और वो मेरी रियल बेटी, तो दोनों को आशीर्वाद दूंगा मैं. एक साल पहले इसकी शादी हुई और अभी तीन दिन पहले मेरी रील बेटी की शादी हुई, तो उसके लिए बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद. मैम आप क्या कहेंगे? बस मैं भी बहुत सारा आशीर्वाद देना चाहूँगी क्योंकि इनकी तो रील बेटी है, लेकिन क्योंकि इनकी रील बेटी है तो मेरी भी बेटी है और मेरी बेटी की बहन है. और ऑल्सो हम उसको बहुत टाइम से जानते हैं. 2004 में मैंने और दिव्यांका ने एक टैलेंट हंट साथ में किया था. सो हम साथ में रहे थे 15 दिन 2004 की बात. तो मम्मी वो हमारे घर आई हुई है तब से, तो हम लोग उसको बहुत पहले से जानते हैं. सो तो जो पूरी फीलिंग है उसकी शादी की, वो इट्स नॉट जस्ट कि वो मेरे हस्बैंड की को स्टार है, बट ऑल्सो बिकॉज वी ऑलमोस्ट स्टार्टेड अ करियर टुगेदर एंड हमारी ट्रेनिंग साथ में हुई थी वो 15 दिन, तो वो फीलिंग ही अलग है. एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे इतने पुराने दोस्तों से मिली हूँ जो उस ज़माने में हम साथ में रहे थे एक होटल में फॉर 15 डेज. मनिंदर है और दो तीन और लोग हैं, दबीना, गुरमीत, सो फीलिंग ही अलग है. अच्छा अंकिता, एक साल हो गया आपकी शादी को, भी आपने कुछ कहा किस तरह से हैप्पी मैरिड लाइफ, कुछ टिप्स दी आपने? मैंने उसे शादी के जस्ट पहले कहा था कि इट्स एक ऐसा फेज है जो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग. कोई आपसे कुछ भी कहे उससे कुछ नहीं होगा. इट्स टू एक्सपीरियंस एंड इट्स अबाउट टू पीपल टुगेदर एंड स्पेशली हम दोनों का केस बहुत सिमिलर है. इट्स ऑलमोस्ट अरेंज्ड. हालांकि उसको ज़्यादा टाइम मिला है विवेक के साथ, उसने काम भी किया विवेक के साथ. मैंने तो मेरे लिए तो एक परफेक्ट स्ट्रेंजर था, पर वो जो एक पूरा सिलसिला होता है किसी को जानना हर दिन, आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग. क्योंकि धीरे धीरे करके आई हैव रियलाइज मेरी दोस्ती करण से हर दिन बढ़ी है और वैसा ही मैं आशा करती हूँ दोनों की दोस्ती बढ़ेगी तो प्यार एकदम सॉलिड हो जाएगा.